जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी संतोष रेणु यादव। और रात के करीब 12-1 बजे के आसपास मैंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का एक कश्मीर मुद्दे को लेकर के एक स्पीच देखा था और तब से मैं सुबह का इंतजार कर रहा था, सुबह हो ताकि मैं भी स्पीच कैसे दिया जाता है वो मैं सिखाऊं उसे। ये 2% का पाकिस्तान और ये जो अफरीदी है ये 2-4, 10 लाख, 20 लाख रुपया का बांट लेता है। इसे लगता है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड का मैं सबसे बड़ा धनवान और सबसे बड़ा दानी महापुरुष बन गया हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कटाक्ष कर रहा था और उनके ऊपर कुछ कुछ बातें ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में जो बहुत सारे लोग हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, हिंदुस्तान और बीजेपी या मोदी जी के समर्थक के बीच ये बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अफरीदी बेटा सुन, क्रिकेटर जब तक है ऑन फील्ड तो मेरा दुश्मन तो था ही, अब मैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट में करता था क्योंकि मैं क्रिकेट को मैं बहुत लाइक करता हूँ और क्रिकेटर्स को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो मेरे मन में तेरे प्रति रिस्पेक्ट थी ना वो गई तेल लेने और हिंदुस्तान पे कटाक्ष करने चला है, अपनी पहले पछवाड़ा पहले चेक कर ले कि हिंदुस्तान का जब फट्ठा पड़ेगा ना तो तेरा पछवाड़ा सहेगा या नहीं सहेगा। ठीक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करता है, बीच में कश्मीर की बात लाता है। हिंदुस्तान मजदूर जो अभी सड़क पे है ना, शुक्र मना कि मोदी जी उसको पाकिस्तान का रास्ता नहीं दिखाए हैं, नहीं तो बेटा पाकिस्तान का नक्शा नहीं बचेगा तुम्हारा इस पूरे वर्ल्ड पे। ठीक है, पाकिस्तान जो है ना वो नक्शे से मिट जाएगा। और दिखा रहे थे ना अपने कैप, दिखा रहे थे अपने कैप और टी शर्ट दिखा रहे थे कि मैं इंडियन पाकिस्तानी आर्मी हूँ, मैं पाकिस्तानी सिपाही हूँ, ऐसा तुम बोल रहे थे ना। बेटा तेरे यहाँ जितना आर्मी होगा ना उतना हमारे यहाँ आर्मी बैठ करके ना घी पीते रहते हैं, समझे? माइंड योर लैंग्वेज, अगली बार से, इस बार तो बोल भी रहे हो ना, अगली बार से जवान नहीं बचेगी तुम्हारी, काट करके भूड़ेड़ करके खा जाएंगे, समझे? ऐसे भी बहुत भूख लगी है, ढंग से पकाएंगे भी नहीं, सिर्फ झुलसा देंगे और जवान तुम्हारा खा जाएंगे, जिंदा खा जाएंगे। आर्मी की बात करते हो, ये देख पहचान रहे हो क्या है, ये जो है ना इंडियन आर्मी का ही ड्रेस है और हरे रंग पे तुम गुमान कर रहे थे ना, हमारा आर्मी भी कभी कभी ब्लैक पहन लेता है,
कमांडो भी पहन लेते हैं। होश में बात करो वरना बेहोश कर देंगे, और ऐसा बेहोश कर देंगे कि पूरी नस्ल तुम्हारी बेहोश हो जाएगी, कोई होश में आएगी नहीं। तुम्हारे प्रधानमंत्री को औकात है बात करने का? मेरे प्रधानमंत्री की बात छोड़ दे, एक हिंदुस्तानी से, एक सच्चा हिंदुस्तानी से बात करने का है कैपेसिटी तुम्हारे प्रधानमंत्री का? औकात मेरा, शाहिद अफरीदी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्या बोलता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कि यहाँ इस मुल्क में उस मुल्क में बहुत अच्छी थी रिश्ते, रिश्ते अच्छे करने हम सब भी जानते हैं, लेकिन किस वजूद पे? तुम उधर से गोले बरसाओगे और हम इधर से गुलाब का फूल लेकर के जाएं। कंट्रोल में रहो, अभी ऐसे ही गुस्सा में है हिंदुस्तान, ज़्यादा उलूल जुलूल करोगे तो पूरा पाकिस्तान घुस करके मारेंगे। अभी तो कश्मीर अभी हड़पे हैं ना, अभी कश्मीर हड़पे हैं बेटा, उड़ मत, वरना कहीं कहीं अगर मोदी जी का दिमाग अगर फिरा, बाघा बॉर्डर अगर खुला और आदेश हो गया कि माइग्रेंट मजदूर दौड़ जाओ बाघा बॉर्डर के थ्रू, पाकिस्तान में मिलेगा, पूरा पाकिस्तानी को टांग करके लेके आ जाएंगे यहाँ पे। माँ बहन भी नहीं बचेगी शायद अफरीदी, कंट्रोल करके रहा, जवान को लगाम दे, हिंदुस्तानी को चैलेंज मत कर। और कुछ लोग मेरे दोस्त जो कि हरभजन सिंह जी को और युवराज सिंह जी को आप लोग ट्रोल कर रहे थे, तो देखिए हरभजन सिंह जी या युवराज सिंह जी वो एक इंसान हैं, और मानवता के नाते वो भिखारी जो अफरीदी है वो वहाँ से बोला कि आप एक वीडियो भेज दीजिए, उन्होंने भेज दिया होगा, भेज दिया। उनको क्या पता कि ये जो अफरीदी है ये राक्षस है। तो अफरीदी कंट्रोल, वरना चीर के रख देंगे, चीर के, ये हिंदुस्तान है। और हम लोग आपस में जो करें, हम लोग आपस में भाई हैं, लड़े झगड़े जो भी मैटर होगा हम लोग यहाँ मैटर देखेंगे, किसी तीसरे को बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपना पाकिस्तान देख, वहाँ का क्या स्थिति है, पहले उसको देख, उसके बाद उसको संभाल, उसके बाद हिंदुस्तान की तरह आंख दिखाना या हिंदुस्तान के बारे में बात करना। यहाँ पे सब एक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भाई हैं आपस में, हम लोग जो करें। चलिए मित्र, जय हिंद जय भारत। आप सब जहाँ अच्छे रहिए। एक्चुअली मैं कल आप सब से रूबरू नहीं हो पाया था, प्रॉब्लम ये था कि जो करीब करीब 40 किलोमीटर का मैं पैदल यात्रा कर लिया था। आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं थोड़ी सी वही पैर वगैरह में सब जख्म वगैरह टाइप का बन गया था, ये देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, सब देखिए, सब जख्म टाइप का सब बन गया था, तो इसी वजह से जो है मैं ये देखिए, जख्म वगैरह बन गया था, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। और इसी बीच में देखा मैं रात में कि ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ बोला है शाहिद अफरीदी, इसको पता नहीं है चूतिया को, ये चला है हिंदुस्तान को नसीहत देने के लिए, काट के रख देंगे जिंदे। आप सब अच्छे से रहिए जहाँ भी हैं, और देश को सपोर्ट कीजिए, देशवासी को सपोर्ट कीजिए, और जितने भी लोग हैं, देखिए आपस में हम लोग जो करें, लेकिन अगर बाहर से अगर कुछ भी बातें आती है तो एक होकर के रहिए, एक बन करके रहिए। लव यू आप सबको। और देखिए हो सकता है कि आज अगर परमिशन आज हो सकता है कि आज मिले, अगर परमिशन अगर मिल जाएगी तो फिर यहाँ से निकलेंगे और निकल करके और फिर आएंगे बिहार, फिर बिहार आते हैं वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, देखिए कुछ कुछ जो चीज़ जो हम देख रहे हैं कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं मेरे भाई हैं, बहुत सारे लोगों की जाने चली गई है, क्या कहें, बहुत रियली बहुत दुख लग रहा है,
बहुत पीड़ा होती है। एक मैंने देखा, एक और वीडियो देखा जिसमें सासाराम की एक आवाज़ पहुंचती है, तो प्लीज़ हम यही, अगर पहुंचती है आवाज़ तो हम यही कहेंगे कि आप सब प्लीज़ देखिए, जागिए, ये बहुत क्रिटिकल वक्त है और सबको जागने की ज़रूरत है। और अगर नहीं जागेंगे तो हम लोगों की ही क्षति है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग मिल कर के रहते हैं तभी हमारा हिंदुस्तान भी तरक्की करता है। और वरना ये जो अफरीदी है, इसको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। और जितना पाकिस्तान में मुसलमान नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं और सच्चे हिंदुस्तानी हैं। तो नसीहत देना, हिंदुस्तान को बंद करें, अपने पाकिस्तान को संभाले, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री किया तो शुक्र मनाओ कि बाघा बॉर्डर बंद है और माइग्रेंट मजदूर उधर की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं अगर बाघा बॉर्डर अगर खुल गया और माइग्रेंट मजदूर अगर उधर की ओर ध्यान दे दिए, और मोदी जी अगर एक बार सिंगल टाइम भी बोल दिए कि उधर चले जाओ, तो कुचल देगा शायद अफरीदी, सबको टांग करके लेके चलाएगा हिंदुस्तान में, फिर समझते रहना। तो बच्चा हो अभी, हिंदुस्तान का बेटा हो, बेटा ही बन करके रहो, ज़्यादा सिमिलर में आने की कोशिश मत करो, वरना अभी मटन वगैरह खाए हुए बहुत दिन हो गया, जीभ काट लेंगे, काट करके उसमें नमक रगड़ के खा जाएंगे, समझे शाहिद अफरीदी, अच्छा रहेगा। और तुम्हारे ऐसे कुछ है, तुम हो क्या, तुम कुछ कुछ तुम हो नहीं, तुम सिर्फ होता ना अंधेरा में काना राजा, वो तुम हो। तुम्हारे ऐसे क्रिकेटर तो हमारे यहाँ ना गुल्ली डंडा खेलते रहते हैं, अपने आप को ज़्यादा दानी और महान क्रिकेटर मत समझो। हमारे यहाँ भी हैं यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी, वो भी मुस्लिम ही हैं जो देश के लिए जान देते हैं, हिंदुस्तान के लिए। लव यू फ्रेंड्स, आप सबको जय हिंद जय भारत। आपस में सहमति बनाए रखिएगा और आपस में मिल करके रहिए। और क्या कहें, बस सहयोग कीजिए। हाँ देखिए, होता क्या है कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ हिंदुस्तान में हैं, हम अपनी सरकार को बोल सकते हैं, अपनी पीड़ा उनको व्यक्त कर सकते हैं, चाहे किसी की सरकार हो। लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी आके दिखा दे तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। बाहर के आदमी की नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है। लव यू आप सबको, जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और जितने भी जिनकी परिवार की हताहत हुई है, देहांत हुई है, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु सबसे ही कामना करेंगे कि उनको हिम्मत दे आपको इस संकट की घड़ी से लड़ने का, और जो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं उनको ऊपर वाला अपने श्री चरणों में जगह दे। और मैं क्या बोलूं, ऐसी वक्त है, सबको सजग रहने की ज़रूरत है। हाँ, जो भी हैं नेता, विधायक, मंत्री, इनको भी और ढंग से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो काम जो कर रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। दिल से धन्यवाद आप सबका, लव यू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई मिल करके रहिएगा। और सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद ही कुछ है, उसके बाद ही हम बिहारी हैं, दिल्ली वाले हैं, या पंजाबी हैं, या हरियाणवी हैं, जाट हैं, कश्मीरी हैं, कुछ भी हैं, बट सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, लव यू, थैंक्स।